फ्रेंड, वेलकम टू सिखाया वरिष्ठ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी गार्लिक ब्रेड, जो कि बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन आज हम इसे अपने घर पे बनाएंगे और एकदम मार्केट स्टाइल में बनाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके लिए हमें क्या लेना है। तो हमने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप कॉर्न, ये पिज्जा मिक्स लिया है, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, 1 कटोरी चीज, मेल्टेड बटर जो कि आधी कटोरी है, और कुछ गार्लिक जो कि हमने चॉप कर लिया है इसको, और ये 2 लाल मिर्च सूखी वाली है इनको भी हमने काट लिया है, और ये लिया है ईस्ट हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर लिया है, सॉल्ट स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये हल्का गुनगुना पानी लेना है, और इसमें हम डालेंगे ये ईस्ट, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, इसको हमें एक्टिवेट करना है, और ये डालेंगे शुगर। अब ईस्ट और चीनी को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए एक्टिवेट करने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट में हमारा ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसका एक अच्छा सा डोर तैयार करेंगे, तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक बाउल, उसमें हम डालेंगे ये मैदा, फिर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और ये डालेंगे हम गार्लिक क्योंकि हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, क्योंकि हम ये गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो गार्लिक का होना तो बहुत जरूरी है। अब हम इसमें मिलाएंगे जो हमने 10 मिनट ईस्ट प्रूफ किया था, इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। हमारा डोर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे एक दूसरे बाउल में रखेंगे, इसमें भी ऑयल लगा देंगे हम, इसको फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे जब तक अच्छे से फर्मेंटेशन ना हो जाए, और इसमें हम ऑयल लगा के रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए रखना है हमें इसे, ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो सके हमारा डोर। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे, ताकि जो डोर हमने रेडी किया है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। इसमें हमारा डोर एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसे निकाल कर और अच्छे से मिला लेंगे, और अब इसमें हम मैदा छिड़क के इसको थोड़ा सा इसके हम 2 टुकड़े करेंगे। इतनी मैदे में हमारे 2 गार्लिक ब्रेड आराम से बन जाएंगे। इसको रखेंगे साइड में, और इसको हम अच्छी तरह से मैदा छिड़क कर इसको हमें राउंड शेप में इसको हम बेल देंगे। देखिए फ्रेंड, इसको हमने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसमें हम ये मेल्टेड बटर लगाएंगे, साइड में ही लगाना है इसको हमें, फिर रखेंगे हम ये चीज, चीज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार, आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा लगाइए, कम पसंद है तो कम लगाइए। फिर रखेंगे हम ये और डालेंगे हम इसमें पिज्जा मिक्स, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं,
बाद उसको अच्छी तरह से सील करने के लिए इसमें पानी लगाएंगे। इसको देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हमें चिपकाना है। अब इसमें हम लगाएंगे बटर। बटर हमें बहुत अच्छी तरह से लगाना है ताकि अच्छा ब्राउन कलर आ सके इसमें। और इसमें डालेंगे ये पिज्जा मिक्स, एकदम मार्केट लुक देने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें पिज्जा मिक्स डालना है, ओरिगेनो डालना है, एकदम मार्केट स्टाइल में लगेगा हमारा। अब इसमें मार्केट लुक देने के लिए हम पिज्जा कटर से हल्का हल्का सा कट लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने इसको माइक्रोवेव से प्लेट में निकाल दिया है। अब इसे माइक्रोवेव में हम बेक करेंगे। पहले प्री हीट कर लेना, जैसे मैंने कर लिया है 180 डिग्री पर 5 मिनट्स के लिए। अब इसको करेंगे हम बेक 200 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे हमें बेक करना है। ये 15 मिनट के लिए हमने इसको सेट कर दिया और स्टार्ट कर दिया। हमारे 15 मिनट कंप्लीट होने को है और ये 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसको स्टॉप कर देंगे, देख लेते हैं। वाह, कितना सुंदर गार्लिक ब्रेड रेडी हुआ है हमारा। हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी हो गया है, कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसे आपको काट के दिखाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा गार्लिक ब्रेड, एकदम चीजी ब्रेड बना है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी गार्लिक ब्रेड बन के रेडी हुई है। आप इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फूडीज़।